Assalamu alaikum beta, welcome to the live lecture series of BCI. तो बेटा आज मैं लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोलॉजी का, और इकोलॉजी में हम ऑलरेडी बेटा इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को बेटा पढ़ रहे हैं, और इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में बेटा हमने पॉजिटिव इंटरेक्शंस को बेटा पढ़ा, उसके बाद हमने नेगेटिव इंटरेक्शन में बेटा कंपटीशन को कंप्लीट किया था। अब कंपटीशन के बाद बेटा जो दूसरी इंटरेक्शन आती है उसको हम बेटा नाम देते हैं प्रेडेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, और एनसीईआरटी ने इसमें बहुत कुछ लिखा है बेटा, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेडेशन बेटा हम किसको कहेंगे। तो पहली बात हम बेटा ये करेंगे कि अगर इस प्रेडेशन जो उछान दवार गोंडु की पॉइंट मरबा इसे प्रेडेशन जो बुबुन या से जो गोंडा थी आख नेगेटिव इंटरेक्शन को गोंडु की इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज और प्रेडेशन जो बुबुन में या से आख नेगेटिव इंटरेक्शन मगर सी थे तो आप पॉइंट या यजन प्रेडेशन जो बुबुन में या से आख इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इट इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रेडेशन जो है ये कौन सी इंटरेक्शन है तो आप कहोगे नेगेटिव इंटरेक्शन है, तेंपत वन्यु दे सर या सच आख इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो पहले हम बेटा देखेंगे कि प्रेडेशन हम बेटा किसको कहते हैं। ऑलरेडी वी नो बेटा कि प्रेडेशन में होता क्या है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर स्पीशीज ए है, और यहां पे बेटा हमारे पास दूसरी स्पीशीज है, इसको हम नाम दे रहे हैं स्पीशीज बी। तो पहले सिंपल टर्म्स में बेटा देखेंगे, ये स्पीशीज ए जो है बेटा ये इस स्पीशीज बी को बेटा खा रही है। अगर ये स्पीशीज ए स्पीशीज बी को बेटा खा रही है तो हम कहेंगे ये स्पीशीज ए जो है बेटा इसको हम बेटा नाम देते हैं प्रेडेटर, और जिस स्पीशीज को खाया जाता है उस स्पीशीज को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रे, उसको बेटा हम प्रे स्पीशीज का नाम देते हैं। अब प्रेडेटर जो यहां पे बेटा है इसको बेटा बेनिफिट हो रहा है तो हम कहेंगे इसको बेनिफिट हो रहा है तो पास्ट टू लिखेंगे, और इसको बेटा नुकसान हो रहा है तो इसको हम बेटा कहेंगे इसको हम दिखाएंगे बाय नेगेटिव। तो अगर मैं बेटा प्रेडेशन को ऐसे डिफाइन करूंगा बेटा, इट इज एन एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, इट इज एन एक्ट ऑफ कैप्चरिंग। पहले इसमें बेटा एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को बेटा पहले कैप्चर कर रही है, उसके बाद उसको मार रही है। इट इज एन एक्ट ऑफ कैप्चरिंग किलिंग एंड ईटिंग एन ऑर्गेनिज्म, एंड ईटिंग एन ऑर्गेनिज्म बेटा हम सिंपली इसको नाम देंगे प्रेडेशन। जो ऑर्गेनिज्म बेटा यहां पे कैप्चर कर रहा है, जो किल कर रहा है, जो बेटा खा रहा है उसको हमने नाम दिया प्रेडेटर, और जो बेटा यहां पे खाया जा रहा है मारा जा रहा है उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रे, उसको बेटा हम प्रे का नाम देते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स को बेटा समझना, ये एक सिंपल डेफिनेशन है प्रेडेशन की और ये हम सबको पता है, लेकिन पहले बेटा ये देखिए कि प्रेडेशन हो क्यों रही है, व्हाई द प्रेडेशन इज ऑकरिंग, व्हाई द प्रेडेशन इज ऑकरिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से बेटा मैं सिखाऊंगा कि प्रेडेशन क्यों हो रही है, व्हाई द प्रेडेशन इज ऑकरिंग, प्रेडेशन क्यों हो रही है बेटा। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास यहां पे प्लांट है, एक ट्रॉपिक लेवल बेटा मैं बनाऊंगा एसोसिएशन प्लांट गुबरम्योर, यह प्लांट क्या वक्त है गुबरम्योर हर्बिवोर, हर्बिवोर क्या वक्त है गुबरम्योर एम्पत कार्निवोर, तो कार्निवोर क्या सा बनो इस एम्पत आसा जो खावान टॉप कार्निवोर, तो इसको बेटा टॉप कार्निवोर यहां पे खा रहा है। बात को समझना बेटा अच्छे से, ये जो प्लांट यहां पे है बेटा ये सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब करके, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बेटा ये यहां पे फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये बेटा सिंथेसाइज करेगा बेटा फूड को। तो मान लीजिए बेटा इसने फूड को बेटा सिंथेसाइज किया, व्हाट इफ सम प्लांट गुबर में नेथन फूड सिंथेसाइज करा तला तरे वुछू ये मिस प्लांट से खवान येतन हर्बिवोर, मगर युति ये हर्बिवोर ये मिस प्लांट से खवान छे यस्ते एनर्जी यस्ते बायोमास ये प्लांट प्रोड्यूस कर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यस्ते फूड गुबर में प्रिपेयर कर, ये फूड क्या मुझे गुबर में ट्रांसफर गसान टू द हर्बिवोर या से ट्रांसफर गसान हर्बिवोर्स।
प्रेडेशन कि प्रेडेशन एक्चुअली क्यों हो रही है और एक्चुअल प्रेडेशन बेटा हम किसको कह रहे हैं। अब बेटा बात को समझना, अब पहले हमें यह देखना है कि अगर इकोसिस्टम में कहीं पे इकोसिस्टम है या ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है बेटा, ये जो अर्थ है, इसमें बेटा प्रेडेशन हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि प्रेडेशन में पहले एडवांटेजेस ऑफ द प्रेडेशन क्या है, क्यों प्रेडेशन हो रही है बेटा, इसके एडवांटेजेस क्या है इकोसिस्टम में। फिर हम देखेंगे बेटा डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रेडेशन के डिसएडवांटेजेस बेटा क्या है। तो पहले हम बेटा बात करेंगे रोल ऑफ प्रेडेशन की, प्रेडेशन क्यों हो रही है, इसका रोल हम पहले बेटा देखेंगे कि इकोलॉजी में प्रेडेशन का बेटा क्या रोल है, एक इकोसिस्टम में प्रेडेशन का बेटा क्या रोल है। सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा रोल ऑफ प्रेडेशन, प्रेडेशन का बेटा रोल क्या है। गोंडू की आप रोल जो होता है प्रेडेशन बासान कि या सच एक्ट कराना आप चैनल, इट एक्ट्स एज ए चैनल, एनसीईआरटी से इतना वर्ड करा यूज, इट एक्ट्स एज ए कंड्यूट, कंड्यूट मतलब को गवर्नमेंट चैनल, या सच एक्ट कराना एज ए चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां से, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी From one topic level to next topic level, from one topic level to next topic level. तो हम कहेंगे पहला रोल जो प्रेडेशन का है, it acts as a conduit, they act कर रहा है as a channel, जिससे बेटा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कैटपर्च के साथ एनर्जी ट्रांसफर या से जो ट्रांसफर के साथ from the plant through the series of the levels to topic levels है, उनकी सीरीज में बेटा ये ट्रांसफर हो रही है। तो ये पहला रोल है बेटा प्रेडेशन का टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये पहला रोल है। अब दूसरी बात समझो, दैम रोल क्या है प्रेडेशन में जुआ, तो मैं जैसे भी प्रेडेशन छ ये कैसे करा को, इट कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, या सच थवान प्रे पॉपुलेशन
अंडर कंट्रोल, इट कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. एंड इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं, एंड इकोसिस्टम को बेटा ये बैलेंस करके रखता है. सेकंड रोल ऑफ द प्रिडिक्शन, या सच करा कहो या सच प्रे पॉपुलेशन थॉन अंडर कंट्रोल. तो इस कंसेप्ट को बेटा पहले देखेंगे कि ये दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा, या सच प्रे पॉपुलेशन थॉन अंडर कंट्रोल, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी रोजान. गोडे पूछो ये कंसेप्ट को, फॉर एग्जांपल गुरु बनी बे वापस आज तो बुढ़ुक टाइम आज ती शास सच प्लांट आक ठीक आज तो मिस प्लांट असा सिखवान हर्बिवोरस वनवे सोदी मन गुबरमियोन बलेक शॉट इथन हर्बिवोरस छ गुबरमियोन खवान इथन कार्निवोर कुसिस खवान गुबरमियोन एम सास सच कार्निवोर खव समझो का अस्मारो यथ हर्बिवोर प्रीडेटर युस्टन सास सच कार्निवोर हर्बिवोर आस सच से यथ प्री अश्च वना हर्बिवोर आस सच से प्रीडेटर फॉर प्लांट प्लांट आस सच से प्रे फॉर हर्बिवोर अगर गोबर मे कार्निवोर कड़ा नबर यानी कि मे प्रीडेटर रिमूव क्या कर प्रीडेटर रिमूव प्रीडेटर थोन मे कार्निवोर थोन मे तमिक मतलब गो हर्बिवोर खेहान तम कार्निवोर तम प्रीडेटर्स कड़ नबर ये प्रीडेटर्स नबर कड़ो वट विपन बेटा जो हर्बिवोर्स है इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को बेटा हम एम से डिनोट करते हैं. बोन इज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, ये अपना नंबर बेटा इंक्रीज करेंगे. अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आप हर्बिवोर्स के इंक्रीज, हर्बिवोर की जनसंख्या बेटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उससे क्या होगा मोर एंड मोर प्लांट्स प्लांट ज्यादा ज्यादा प्लांट आसा लागे निकल. अल्टीमेटली क्या गोबर प्लांट लग वार खत्म ग्लांट लग वार खत्म गर्बिवोर मार कम्पटिशन इनक्रीज लगे पानवे लड़ाई करें फॉर द लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स प्लांट बने. सो अम सवरऑल इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी गोबर मोन क्रिएट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम प्रेडेटर को रिमूव करेंगे कार्निवोर को रिमूव करेंगे हर्बिवोर कैसे इंक्रीज प्लांट प्लांट का नंबर इंक्रीज होगा ठीक है इनका इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल बेटा एक इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी बेटा क्रिएट होगी. अब प्रेडेशन का रोल क्या है बेटा ये इकोसिस्टम को स्टेबल करके रख रही है. क्लियर ये बात बेटा क्लियर है. तो इसके बाद बेटा देखेंगे ये इसको मैं ऐसे भी बेटा दिखा सकता हूं अगर उनका डायग्रामेटिकली थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आपको बनी और बोन इथन ऐसा सा कर कौन प्रीडेटर यूजन छ प्रीडेटर हासा करे से रिमूव या प्रीडेटर हासा करे से कम प्रीडेटर करे से रिमूव ठीक है बेटा. जो प्रे है बेटा उसकी पॉपुलेशन जो है फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम हर्बिवोर दिखाएंगे ठीक है हर्बिवोर इंक्रीज हो जाएगा और जो प्लांट है बेटा उसका नंबर बेटा यहां पे डिक्रीज हो जाएगा और यहां पे बेटा इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी बेटा क्रिएट होगी. अब इसी को बेटा हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दी है. एनसीईआरटी का बेहतरीन एग्जाम्पल दिस इज मस्ट सोए करो इस गुबर में एक्सप्लेन. तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है बेटा समझ लो मेरी बात. एक एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा साउथ अमेरिका में बेटा एक स्पीशीज पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं प्रिकली पियर कैक्टस या से छोड़ साउथ अमेरिका से मजाक स्पीशीज लगा या से प्रिकली पियर कैक्टस स्पीशीज गुबरनो एमिस आसा चु पनुन आख नेचुरल प्रीडेटर है. अच्छे से समझना बेटा इसका एक नेचुरल प्रीडेटर है साउथ अमेरिका में और इसका नेचुरल प्रीडेटर है बेटा एक मॉथ इसका नेचुरल प्रीडेटर है बेटा जो इनके लीव्स को खा रहा है और इस प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को बेटा वो अंडर कंट्रोल रख रहा है. बात को समझना. तो हुआ क्या बेटा इस प्रिकली पियर कैक्टस को बेटा ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रिकली पियर कैक्टस को बेटा लाया
समझ लो मेरी बात, ये प्रिकली पियर कैक्टस कहां पे पाया जाता है? ए याचुआ लव साउथ अमेरिका में, मगर ऑस्ट्रेलिया के कर्म यूओन यूहाई प्लांट प्रिकली पियर कैक्टस जो है उन्होंने लाया, प्रिकली पियर कैक्टस जो है बेटा इन्होंने इसको लाया, मगर ये प्रिकली पियर कैक्टस असली का जो इचुआन असली लव साउथ अमेरिका में अग्रई का स्पीशीज समझो का स्पीशीज कोई पर्टिकुलर नेचुरल एनवायरमेंटस में जो लबन यो अस वनो या से छै अतिश पानी ना नेचुरल स्पीशीज फॉर एग्जांपल कश्मीर में एप्पल यो लबन वो निशित पान स्पीशीज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है मगर बस से जो है ट्रांसफर करा बस सोजाने राजस्थान वनम साथ में राजस्थान सोजन राजस्थान स खत बने ये एप्पल ट्री एक्सोटिक स्पीशीज को ये साथ ऑस्ट्रेलिया ने प्रिकली पियर कैक्टस ऑन एंड इस नेचुरल हैबिटेट इज वाज इज इन असली लवनी शोन इज वाल अपना असली साउथ अमेरिका से मगर ये साथ ही प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलिया खोद रो बने हुई है प्रिकली पियर कैक्टस या सब बने गुबरनोर एक्सोटिक क्या बने या सब बने एक्सोटिक स्पीशीज अन्य कल खोद ऑस्ट्रेलियन कैसे यूस प्रिकली पियर कैक्टस ये क्या मुझे जरूरत लगान फेंसिंग में यूस देवार व्यवहार अगर वोचुद एवरग्रीन एवरग्रीन गिर पार्क वार्क में लगान इथे कर् प्रिकली पियर कैक्टस यह लगान फेंसिंग खातर जरूरत बेहस केमिकल ना केमिकल ना ज्यादा पहमत यूज ग लिपस्टिकन मज समझ अम खुद कोई ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट तमो ओन ऑस्ट्रेलिया मज लेकिन हुआ क्या बेटा इन्होंने देखा या ऑस्ट्रेलिया में जब इस प्रिकली पियर कैक्टस को बेटा इंट्रोड्यूस किया गया यो क्यों आज ग्रोथ हस गए ऑस्ट्रेलिया में वारिये ज्यादा विद इन फ्यू इयर्स ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है या सब फोरियो सर्च ऑस्ट्रेलिया में एमे हस कर हेक्टर्स हेक्टर्स बहुत ज्यादा हेक्टर्स ऑफ द लैंड जो है यानी कि बहुत सारे हेक्टर्स ऑफ द लैंड को बेटा इसने ऑक्यूपाई किया इनको वारिये लैंड ऑक्यूपाई तो गवर्नमेंट ने बेटा कहा कि ये क्यों हो रहा है ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है इसने बहुत सारी लैंड को बेटा ऑक्यूपाई किया जहां भी जा रहे थे प्रिकली पियर कैक्टस था जहां भी जा रहे थे प्रिकली पियर कैक्टस था सो व्हाट वाज द रीजन बात को समझना अगर साउथ अमेरिका पूछू या प्रिकली पियर कैक्टस सोस अति पनुन आख नेचुरल प्रेडेटर तेम सोस ना मौत हो सिमके लीव्स खवान योस वार प्रिकली पियर कैक्टस खवान योस एमिच पॉपुलेशन थवान अंडर कंट्रोल मगर ये साथे ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कर ऑस्ट्रेलिया में छिन प्रिकली पियर कैक्टस पनुन नेचुरल प्रेडेटर की प्रिकली पियर कैक्टस छिन ऑस्ट्रेलिया में पनुन नेचुरल प्रेडेटर So, इसको यहां पे कोई नहीं खा रहा है क्योंकि इसका जो नेचुरल प्रीडेटर है बेटा दैट इज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका यहां पे इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है तो ये बेटा अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता गया और इसने बहुत सारी लैंड को बेटा ऑक्यूपाई किया एक साथ वॉरियर लैंड ऑक्यूपाई कर गवर्नमेंट ने कहा बेटा कि ये मसला क्या है तो उसके बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने इसके बाद साउथ अमेरिका से बेटा इस मौत को लाया और तब जाके ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है इसकी पॉपुलेशन बेटा कंट्रोल हो गई सो इसका मतलब है जिसपा एम्ब्रोसिस वना प्रीडेटर हास्य प्रे स्पीशीज इज पॉपुलेशन थवान अंडर कंट्रोल प्रीडेटर प्रिकली पियर कैक्टस मौत साउथ अमेरिका में आज पॉपुलेशन कंट्रोल में बाई दिस प्रीडेटर दैट इज कॉल्ड मॉ मगर ऑस्ट्रेलिया में तेमिस पनु नेचुरल प्रीडेटर कहीं एम कर पाइन पॉपुलेशन इंक्रीज एम कर वारिये हेक्टर्स ऑफ द लैंड ऑक्यूपाई एम साथ एम वारिये हेक्टर्स ऑफ द लैंड कर ऑक्यूपाई इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी आई इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी तो इनको साउथ अमेरिका से नेचुरल प्रीडेटर को भी लाना पड़ा तब जाके इस प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन जो बेटा है वो कंट्रोल में आ गई कस पॉइंट में जरूर में गुकी वो में यह प्रिडेशन एक्ट करान एज ए चैनल इट एक्ट एज ए कंड्यूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल मगर दिन तुम में यह
या सच प्रे पॉपुलेशन थवान अंडर कंट्रोल थवान छ तम सिद हासक छ काम गसा यस प्रे पॉपुलेशन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हासक छ तम सिद रोसा एम पर छ त्रिम रूल वारिया इंपॉर्टेंट रूल अस त्रिम जबरदस्त इंपॉर्टेंट रूल त्रिम रूल छ गुबर गुन बना फोकस करना बोर्ड पे पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए बेटा सारा फोकस बोर्ड पे रखे तो दो रूल हमने डिस्कस किए भीतर त्रिम रूल छ बना तवान यूजर प्रेडिक्शन तवान प्रेडिक्शन के शिकार तवान यास छ करा करो यास छ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीशीज मैंने कहा फोकस करके रखना बिटवीन टू प्रे स्पीशीज करान रिड्यूस व्हिच इज बे वना रिकैलकुलेट वेरी इंपॉर्टेंट छ व्हिच वना यस प्रेडेशन छ यस छ करा क दो प्रे स्पीशीज के दरमियान में अगर इज प्रे स्पीशीज आसन यस छ तिमन दरमियान करा क इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन करा वारिया कम मगर अस वी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कित प्रीडेटर गोबर मोर कम करा हाउ इट रिड्यूसेस देयर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द प्रे स्पीशीज लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल अस दिमो अ सिंपल एग्जांपल गोबर मोर बसमा नेत जो गोट बसमा नेत जो गोबर मोर शीप बसमा गोबर मोर नेत जो काऊ और यहां पे भेटक काऊ है और अगर आप इन तीनों को देखोगे तो इनका प्रे बेटा होगा प्लांट यानी कि ये प्लांट को खाएंगे और इनका प्रीडेटर जो बेटा है इनका प्रीडेटर जो होगा दैट विल बी लाइन हम कहेंगे दैट विल बी बेटा टाइगर अब बात को समझ लो अब आप दो मिनट के लिए बेटा मान लीजिए हमने इस प्रीडेटर को यहां से रिमूव किया ऐसा सब और प्रीडेटर ये थे नंबर को रिमूव आज क्या कैसे करो व्हाट विल हैपन उछू नंबर ऑफ द गोट इज उछू ये कैसे इंक्रीज क्या है टाइगर खेवान ये अपनी जनसंख्या बेटा इंक्रीज करेगा ये साथ ही पानी जनसंख्या बेटा इंक्रीज करे वो वन पॉपुलेशन ऑफ गोट विल इंक्रीज एम इज पॉपुलेशन डेंसिटी गेट्स इंक्रीज यहां से पॉपुलेशन आ सके गोबर में इंक्रीज इफ इट वन नंबर शीप चीथ एम इज शो खेवान कह ओज पॉपुलेशन गेट्स इंक्रीज काऊ चीथ ओज पॉपुलेशन गेट्स इंक्रीज गोबर में ये त्रनवे यूजर छ ये छ खेवा प्लांट वन यूत यु नंबर इंक्रीज गूत खे प्लांट यूत यह प्लांट खेन गोबर प्योर यूत यह प्लांट खेन यूत यह प्लांट खेन तूत ग्लांट यानी कि रिसोर्स गूत यथन कम यूत यथन प्लांट रिसोर्स कम गूत क्या गूत गो पान कंपटीशन गोट शीप और काऊ जो है इन तीनों के दरमियान में बेटा कंपटीशन होगा अगर गोटस तो शीपस दरमियान कंपटीशन गेस मिशन कंपटीशन रूल दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या मिशन रूल शीप तो कवस दरमियान अगर गेस यह गेस बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अत गेस बी कंपटीशन सो कत गोबर गोर इत अगर चो प्रीडेटर त्राहे वापस प्रीडेटर लाग वापस गोटस खून प्रीडेटर वापस शीप लागान खून प्रीडेटर वापस गोबर मोर काऊ लागान खून को यह पॉपुलेशन हस रोज अंडर कंट्रोल ये पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रोज निम ना सा खेन ज्यादा ज्यादा प्लांट कहीं ये ज्यादा प्लांट खेन कहीं यम रोज प्लांट अवेलेबल असल निमन दरमियान गेस न पान वो कंपटीशन गोबर मोर कहीं ये जनरल हाइपोथेटिकल एग्जांपल इस मैं पेट कहीं वोन प्रीडेशन हस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन टू प्रे स्पीशीज कवर एमचीज गोबर मोर के स्टडी कर एमची करो के स्टडी एमची दिमो एग्जांपल गोबर मोर यो प्रीडेटर दोन प्रे स्पीशीजन दरमियान इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन गोबर मोर करान वारिया कम तो इसको बेटा देखेंगे एक फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा फील्ड एक्सपेरिमेंट आओ कर एमच के स्टडी चीज कर फील्ड एक्सपेरिमेंट आओ कर फील्ड एक्सपेरिमेंट आओ कर गोबर मोर यह क्या आओ कर इंटर रॉकी इंटर टाइडल रीजन ऑफ पैसिफिक कोस्ट रॉकी इंटर टाइडल रीजन ऑफ पैसिफिक कोस्ट
इस कॉन्सेप्ट को बेटा अगर देखेंगे इंटरटाइडल रीजन, ये बेटा मैंने कंपटीशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से हम यहां पे बेटा एग्जांपल देखेंगे रॉकी इंटरटाइडल कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो इसका मतलब है बेटा अगर ये यहां पे एक पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और ये बेटा हम मान लेंगे एक पैसिफिक ओशन यहां पे है, और ये हम मान के चलेंगे बेटा ये इस पैसिफिक ओशन में एक चट्टानी किनारा है, या हम यहां पे भी बेटा दिखा सकते हैं कि यहां पे ये एक चट्टानी किनारा है और ये पैसिफिक ओशन है। मिश एंड्रोथवुड टाइड्स बेटा समंदर में होती है, और जो सबसे बड़ी टाइड होगी उसको हम कहेंगे हाई टाइड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा ये हाई टाइड हुई, ये चट्टानी कोस्ट है बेटा, और एक टाइड होती है जो बहुत ही लो होती है उसको हम कहते हैं बेटा लो टाइड। इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर विद इन कंपटीशन, अगर एक कंफ्यूजन आए स्विच बेक कंपटीशन से मैंने क्या कहा है वहां पे बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब इन दो टाइड्स के दरमियान में जो रीजन होगा ना बेटा, इसी को आप कह रहे हो इट इज एन इंटरटाइडल रीजन, इट इज एन इंटरटाइडल, ये बेटा हमारे पास बन गया इंटरटाइडल रीजन। यू सी इंटरटाइडल रीजन से गोविंद यथ इंटरटाइडल रीजन ऑफ प्रीडेटर ऑफ फिश ऑफ सिटार फिश ऑफ वन लवन तेमिस इज वन ऑफ डिजास्टर कैसे लोग गोविंद इट इज कॉल्ड एज डिजास्टर। डिजास्टर से मानन यथ में जैसे छ प्रीडेटर आ, ये प्रीडेटर है बेटा जो बहुत सारी स्मॉल फिशेस को बेटा खा रहा है। मान लीजिए यहां पे बहुत सारी स्मॉल फिशेस है और उन फिशेस को बेटा ये खा रहा है, इसको फिशेस खाओ। व्हाट हैपेंस इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, ये वो कौन आख एरिया यत मज एनक्लोज ततुक योरती दीवार योरती दीवार योरती दीवार योरती दीवार कुरखा एरिया एनक्लोज यत एरियास में छे मन से बर्ड आख फिश एक सिटार फिश है यत जन से नाव टू डू अ डिजास्टर। बे लकड़ लकच फिशिज इनवर्टिब्रेट्स हेको या लकच फिशिज प्रे स्पीशीज वन मगर पिजास्टर गोबर प्रीडेटर कह समझ यमो कमो एरिया एनक्लोज कमो पिजास्टर नबर इसको उठाया और इसको यहां पे समंदर में बेटा फेंक दिया। वाल एनक्लोज वाल गोबर एनक्लोज वो तमिक मतलब को यूर हेक नुवे कहीं दिस यूर हेक कहीं दिस हुआ क्या बेटा, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा विद इन अ डिगेट विद इन अ डिगेट आफ्टर 10 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स बेटा इस एनक्लोज्ड वॉल में इस एनक्लोज्ड वॉल में बेटा 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो बेटा है वो यहां पे बेटा एक्सटिंक्ट हो गई। वो यहां पे क्या होगी एक्सटिंक्ट हो गई। व्हाट सम टू कंसेप्ट एज दो प्रीडेटर यूज छ या सच प्रे पॉपुलेशन में जो सर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कैसी या सच तक कम कर एम खोदा फील्ड एक्सपेरिमेंट कर फील्ड एक्सपेरिमेंट करो रॉकी इंटरटाइडल रीजन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। एक पैसिफिक कोस्ट में एक रॉकी इंटरटाइडल रीजन है बेटा, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पे क्या देखा गया एक बड़ी सी फिश है बेटा एक स्टार फिश है जिसको हम पिजास्टर का नाम देते हैं, वो एक प्रीडेटर है वहां पे और वो बहुत सारी छोटी छोटी मछली को खा रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एरिया बेटा एनक्लोज किया, जब एरिया एनक्लोज किया बेटा तो उसमें बहुत सारी फिशेस भी है और अब पिजास्टर भी है। अब इन्होंने पिजास्टर को उठाया समंदर में फेंक दिया, जब पिजास्टर को इन्होंने समंदर में फेंक दिया तो इन्होंने क्या देखा आफ्टर सम इयर्स आफ्टर डिकेड 10 इयर्स के बाद उन्होंने क्या देखा कि जहां वहां पे जितने इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज थी उसमें से 10 स्पीशीज बेटा गायब हो गई। उसका मतलब है ना क्लियरली कि डिजास्टर बेटा कहीं ना कहीं तरह से इन जो इनवर्टिब्रेट थे इनके बीच में होने वाले कंपटीशन को बेटा वो क्या कर रहा था, वो रिड्यूस कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कि इन इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जब प्रेडेटर निकाला गया तो इनके बीच में कंपटीशन हुआ, जनसंख्या बेटा इंक्रीज कर नंबर इंक्रीज कर नंबर इंक्रीज को They will compete for the same resource, जो उनके लिए रिसोर्स वहां पे होगा और जब कंपटीशन होगा कंपटीशन में बेटा सुपीरियर जो है वो कामयाब होता है जीतता है, लेकिन जो इन्फीरियर है वो बेटा नहीं जी रहा जीत रहा है। तो वहां पे 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज बेटा क्या होगी एक्सटिंक्ट होगी। तो यहां तक हमने देखा कि रोल ऑफ प्रेडेशन जो है तीन रोलों से फिर से दिखा रहा हूं बेटा, एक है इट एक्ट्स एज एन कंड्यूट एक्ट्स एज चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दूसरा हमने देखा कि ये बेटा प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रहा है, उससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो बेटा बनी रहती है। और तीसरा मैंने कहा जो प्रेडेशन है ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन प्रे स्पीशीज के दरमियान